प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियों का जो दौर है वो जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं पीएम मोदी की परली, सतारा और पुणे में रैली होगी। कल अकोला में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली को संबोधित किया था, जहां पर 370 को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा था। वहीं जेपी नड्डा मराठवाड़ा के हिंगोली में रैली करेंगे और ठाणे में एक रोड शो किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के 6 जनसभा का कार्यक्रम है। नितिन गडकरी विदर्भ के यवतमाल, चंद्रपुर और नागपुर जिले में कुल 6 रैली को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार महाराष्ट्र के दौरे पर हर एक दिन दिखाई देते हैं और तमाम रैलियों को संबोधित उनके जरिए किया जा रहा है। एक बार फिर से आज महाराष्ट्र के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे, जहां पर 3 जनसभाओं को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही जेपी नड्डा और नितिन गडकरी के भी कई कार्यक्रम यहां पर तय किए गए हैं। तो 3 रैलियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। कल अकोला में हमने देखा था कि महाराष्ट्र के अकोला में उन्होंने जब जनसभा को संबोधित किया था तो पाकिस्तान को कड़े शब्दों में यहां पर फटकार लगाई गई थी। इसके साथ ही धारा 370 को लेकर जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा है कि आखिरकार महाराष्ट्र के चुनाव में धारा 370 के का मतलब रह क्या जाता है, तो ऐसे में उन्होंने जमकर निशाना साधा विपक्ष पर और कहा कि धारा 370 को लेकर जो सवाल पूछ रहे हैं उनको डूब मरना चाहिए। तो लगातार अपनी रैलियों पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए उम्मीदवार को ज्यादा से ज्यादा वोट देने की अपील यहां पर लोगों से करते हुए वो फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। तो एक और बार महाराष्ट्र के रण में चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी भी आज चुनाव प्रचार करेंगे। 6 रैलियों को आज वो संबोधित करने वाले हैं। तो जहां एक तरफ 3 रैलियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, तो वहीं 6 रैलियों को नितिन गडकरी को संबोधित करना है। जेपी नड्डा हिंगोली में जनसभा करेंगे और ठाणे में कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक रोड शो का भी कार्यक्रम है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को चुनाव है और इसके मद्देनजर प्रचार प्रसार में तमाम पार्टियां उतरी हुई हैं। तमाम दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और इसी के तहत आज एक बार फिर से महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के अकोला में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष को बिखरा हुआ भारत चाहिए। वहीं पाकिस्तान पर कई कटाक्ष किए। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की साजिश से लड़ने के लिए पूरा देश तैयार है और वहीं विपक्ष के 370 को लेकर उठाए गए सवालों का भी जवाब दिया गया। संभाल करके रखी हुई 370 देशवासियों के चरणों में न्योछावर हो गई है। मां भारती की सेवा करने वालों के चरणों में पहुंच गई। भाइयों, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत नहीं, चाहने वाले लोग इनको एक भारत श्रेष्ठ भारत मंजूर नहीं है, उनको तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बटा हुआ भारत चाहिए, बिखरा हुआ भारत चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ लड़ता हुआ भारत चाहिए।